हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बेबी फेयरनेस उपटन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो बच्चे का कलर अनुवांशिक होता है, लेकिन फिर भी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो बच्चे का स्किन टोन इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड उपटन में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बच्चे को स्किन इन्फेक्शन से बचाता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आपको 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा लेना है, 1 से 2 चम्मच चावल का आटा लेना है। ये स्किन को डीप नरिशमेंट पहुँचाता है एंड क्लीन क्लियर बनाता है। स्किन में जमा गंदगी को भी रिमूव करता है। और यहाँ लूँगी मैं कस्तूरी हल्दी। आप किचन हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, स्किन को इन्फेक्शन से बचाती है एंड स्किन को नेचुरली ग्लोइंग भी बनाती है। यहाँ मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ 1 से 3 चम्मच। ये जो रोज़ वाटर है ये स्किन में क्लीजनिंग का काम करेगा। एंड अब आपको लेना है 1 से 2 चम्मच क्रीम। क्रीम में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन इरिटेशन से भी बचाता है। सो अब लेंगे ऑलिव ऑयल। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। इसको और ओवरऑल यही काम है कि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। अब इस पेस्ट को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। पेस्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए और आप अपने बच्चे की स्किन में कुछ इस तरह से अप्लाई करें। इसको हल्के हाथों से ही रब करके निकालना है, ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो इसको आटे की तरह गूंथ लें, इस पेस्ट को, जैसे आप रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, और फिर उससे मसाज करें। इसके रेगुलर यूज़ से बच्चे का एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी रिमूव होगा एंड स्किन भी ग्लोइंग होगी। तो इसको हल्के हाथों से ही रब करें क्योंकि बच्चे की स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट होती है। क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है एंड क्रीम है तो ये आसानी से रिमूव हो गया है, ये देखिए। सो इस पेस्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इट्स रियली इफेक्टिव। एंड मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।